फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपका नाम है एमडी अलाउद्दीन। आपने कमेंट बॉक्स में पूछा कि मैं कई बार कमेंट्री में ऑन फायर ऑन फायर ऑन फायर सुनता हूं, बट मैं ये नहीं समझ पाता कि ऑन फायर है क्या। तो आइए फ्रेंड्स देखें कि फेज वर्ड ऑन फायर का क्या मतलब होता है और आप इसे कब इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फेज वर्ड ऑन फायर का मतलब होता है शबाब पर होना या पूरे जोश में होना, यानी इन ए स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। जैसे अगर आपको कहना हो धोनी अपने शबाब पर है या धोनी अपने जोश में है, तो आप कहेंगे धोनी इज ऑन फायर, यानी धोनी अपने पूरे मूड में है, अपने पूरे एक्साइटमेंट में है या अपने पूरी जोश में है। फ्रेंड्स, अगर आप कमेंट बॉक्स में ये टाइप करेंगे कि योर टीचिंग इज ऑन फायर, तो मैं ये समझूंगा कि आप कहना चाहते हैं मेरी टीचिंग पूरी शबाब पर है या पूरे जोश में है या पूरी एक्साइटमेंट में है, यानी पूरे मूड में है। योर बॉलिंग इज ऑन फायर। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग होगा कि तुम्हारी गेंदबाजी शबाब पर है या अपने उरूज पर है या पूरे जोश में है। वियरिंग डैमेज जींस इज ऑन फायर दीज डेज, यानी आजकल डैमेज जींस पहनना पूरे जोश में है या अपने उरूज पर है, अपने शबाब पर है। योर बिजनेस इज ऑन फायर। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि आपकी बिजनेस अपनी उरूज पर है, अपनी शबाब पर है या फिर अपने पूरी मूड में है, यानी पूरे जोश में है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको फेज वर्ड ऑन फायर का मतलब समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।